नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। कि अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको जो है सफलता क्यों नहीं मिलती है, इसकी क्या वजह है, ऐसी कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हनुमान जी की मंत्र सिद्ध हो, उनकी साधना सफल हो, और हनुमान जी के जो साधक हैं उनको कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। साधनाएं मंत्र आपको तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन रियल में उनका जो अनुभव है, अनुभव आपके सामने बहुत कम मिलते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप कौन सी माला का प्रयोग करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तुलसी की माला आप स्वयं से अपने घर पर निर्मित कर सकते हैं। अगर घर पर निर्मित करते हैं तो आप एक गांठ पे 11 बार या 5 बार हनुमान मंत्र का जाप करते हुए आप एक गांठ लगाएं, एक तुलसी का जो टुकड़ा है उसको चयनित करें। इस तरीके से 108 दानों में हर मनके पे आप जो है अभिमंत्रित करें मंत्र को, नंबर एक। नंबर दो, आप उस माले को गले में भी धारण कर सकते हैं। जैसा कि बाबा हनुमान जो हैं रक्षक देवता हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको स्मरण करने से उनके भक्त के पास किसी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी दूर दूर तक नहीं भटकती। तो आप जब मंत्र जाप करें तो तुलसी माला का प्रयोग करें। तुलसी माला का प्रयोग करने के बाद आप शुद्ध शाकाहारी रहें। तुलसी की जो माला है बहुत ही शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग पूर्व में कई पुस्तकों में, उपन्यासों में, रामायण आदि ग्रंथों में आपने इसका जिक्र किया है कि तुलसी बहुत ही प्रिय है माता सीता को और हनुमान जी को। तो आप तुलसी की जो माला है उसका आप प्रयोग करें। इस माला का जो प्रयोग करने वाले साधक हैं उन्हें शुद्ध शाकाहारी रहना होता है। गले में अगर आप तुलसी धारण करते हैं तो भी आपको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहना होता है। इसके बाद आते हैं मंत्र विधान। आपका जैसा मंत्र है उस पद्धति के हिसाब से आप विधान करिए। हमने आपको सिर्फ जानकारी माले की दी है कि आप कौन से माले का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, स्फटिक माला का प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने में कमल गट्टे की माला का प्रयोग करते हैं। तो साधनाओं में माला का बहुत ही महत्व है, आसन का बहुत ही महत्व है। जैसा कि आसन जो होता है हनुमान जी की साधना में, हमेशा लाल रंग का आसन प्रयोग किया जाता है। उनकी जो मूर्ति होती है हनुमान जी की, वो भी लाल रंग से रंगी होती है, सिंदूर से, तूले रंग से रंगी होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो हनुमान जी की अगर साधना करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको अनुभव जरूर होंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आप लोग आज समझ गए होंगे कि आप कौन सी माला का प्रयोग करेंगे जिससे बाबा हनुमान की कृपा आपको प्राप्त हो, उनके मंत्र सिद्ध हो। उनकी कृपा जब प्राप्त होगी तो आपके अंदर त्रिकाल ज्ञान भी समाहित होगा। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को शुभ साधना का आशीष, और आप सभी लोग साधना करें, विधि के साथ करें, विधान के साथ करें। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।